हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनी स्टाइल। गाइस, मानसून स्टार्ट हो गया है। हम सभी जानते हैं कि मानसून के स्टार्ट होते ही फेस और हेयर से लेकर कई तरह की प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाती है, कई फंगल इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि मानसून के मौसम में हमारी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है, क्योंकि हवा में थोड़ी नमी आ जाती है जिस वजह से हमारी स्किन ऑयली हो जाती है। तो गाइस, आज के मेरे वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिन्हें यूज़ करके आप भी मानसून में अपनी स्किन को हेल्थी और ग्लोइंग रख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, साथ में बेल बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो स्टार्टेड। गाइस, ये वो टिप्स हैं जिन्हें मैं खुद भी फॉलो करती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी ये टिप्स बताई जाए जिससे आप भी मानसून में अपनी स्किन की केयर कर सकें। सो गाइस, टिप्स नंबर फर्स्ट, मानसून में हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है और ऑयली स्किन पर पिंपल्स बहुत जल्दी होते हैं, तो दिन में 4 से 5 बार अपने फेस को अच्छे से क्लीन करते रहें। इसके लिए एक ऑयल फ्री फेस वॉश यूज़ करें जिससे अपने फेस को दिन में 4 से 5 बार धोएं, जिससे आपके फेस पर ऑयल जमा नहीं होगा और ऑयल जमा नहीं होने की वजह से पिंपल्स भी नहीं होंगे, साथ ही आपकी स्किन हेल्थी रहेगी। टिप्स नंबर टू, गाइस, मानसून में बहुत कम पानी की प्यास लगती है और जिस वजह से हम पानी नहीं पीते हैं, यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। गाइस, पानी की प्यास लगे चाहे नहीं लगे, मानसून में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी हमें डेली पीना चाहिए जिससे हमारे स्किन हाइड्रेट रहे और स्किन हेल्थी रहे। गाइस, अगर अभी तक आपने पानी पीना स्टार्ट नहीं किया है और आपको मानसून में प्यास नहीं लगती है तो भी आप पानी पीजिए जिससे आपकी स्किन हेल्थी रहे। एंड गाइस, टिप्स नंबर थ्री, मानसून में जहाँ तक हो सके आप बाहर के फास्ट फूड या बाहर के खाने से बचें। बाहर के खाने की वजह से कई फूड पॉइजन की प्रॉब्लम्स हो जाती है और जिसका असर हमारे स्किन पर भी पड़ता है, साथ ही हमारे हेयर पर भी पड़ता है। सो गाइस, जहाँ तक हो सके आप बाहर के खाने को बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए, उसकी जगह आप घर की सब्जियाँ, ग्रीन वेजिटेबल्स, फूड, घर का ही बना हुआ खाना खाइए, वो बहुत ज़्यादा हेल्थी रहता है। एंड गाइस, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो 1 चम्मच पानी में 8 से 10 बूंद लेवेंडर ऑयल की मिलाकर उससे अपने चेहरे को धोएं, इसका फेस बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो वो नहीं रहेगी। गाइस, बरसात के मौसम में हमारी स्किन को क्रीम की उतनी ही जरूरत रहती है जितनी अदर वेदर में रहती है। आप बरसात में ऑयल फ्री क्रीम का यूज करें जिससे आपकी स्किन हेल्थी रहे और ग्लोइंग रहे, साथ ही हाइड्रेट रहे। एंड गाइस, बरसात में जहाँ तक हो सके मेकअप कम यूज़ करें, और अगर आपको मेकअप करना ज़रूरी ही है तो आप वाटरप्रूफ मेकअप का यूज़ करें, और जब आप मेकअप को रिमूव करें तो उसे अच्छे से रिमूव करें जिससे क्या है आपके फेस के जो पोर्स हैं वो भर जाते हैं मेकअप से, तो उन्हें अच्छे से रिमूव करें जिससे जो पोर्स हैं वो खुल जाए और आपकी स्किन अच्छी रहे, हेल्थी रहे और स्किन को फुल ऑक्सीजन मिलती रहे। एंड गाइस, गुलाब जल को एज अ टोनर की तरह आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो ग्रीन टी का टोनर यूज़ कीजिए। ग्रीन टी, खीरा ककड़ी, इनका टोनर लगाकर आप अपने फेस पर यूज़ कीजिए जिससे आपकी स्किन हाइड्रेट रहे, स्किन में डलनेस नहीं है, साथ ही आपकी स्किन ड्राई नहीं पड़े। एंड गाइस, रात को सोते टाइम मेकअप को अच्छे से रिमूव करके सोएं, और साथ ही एंटी बैक्टीरियल युक्त टोनर यूज़ करें जिससे आपकी स्किन हाइड्रेट रहे। एंड गाइस, अगर बरसात के मौसम में भी अगर आप बाहर जा रहे हैं तो सनस्क्रीन जरूर लगाएं। कई बार क्या होता है, हम देखते हैं रेनी सीजन है और हम सनस्क्रीन लगाना भूल जाते हैं, बट अचानक धूप आ जाती है तो ऐसे में सूरज के जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं वो उनका जो प्रभाव है वो सीधा आपके फेस पर पड़ेगा और आपके फेस पर बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाएगी, सनबर्न हो जाएगा। तो जहाँ तक हो सके आप जब भी बरसात में भी बाहर जाएं तो सनस्क्रीन जरूर लगाएं, अपना कोई सा भी क्रीम या मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं, तो गाइस सनस्क्रीन लगाना नहीं भूलें। एंड गाइस, मानसून में ऐसे प्रोडक्ट यूज करें जो अच्छी क्वालिटी के हो, साथ ही वाटरप्रूफ हो, तो जहाँ तक हो सके वाटरप्रूफ मेकअप का यूज कीजिए जिससे बरसात में अगर आप बाहर भी जा रहे हैं तो आपका काजल, आपका फाउंडेशन, मेकअप बहकर नहीं आए, जो कि बहुत ही बुरा लगेगा। एंड साथ ही गाइस, जैसे जैसे वेदर चेंज होता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे हेयर पर भी पड़ती है, हमारे हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाते हैं,
तो गाइज जहां तक हो सके आप हेयर के लिए माइल्ड शैम्पू यूज कीजिए, और आप वाओ का ऑनियन हेयर ऑयल भी यूज कर सकते हैं, वो काफी अच्छा है। मैं यही सजेस्ट करती हूँ क्योंकि मेरे भी काफी हेयर फॉल होता है, तो मैं वही शैम्पू यूज करती हूँ। और जहां तक हो सके आप हेल्थी डाइट लीजिए, इन सब चीजों का असर आपकी डाइट पर भी पड़ता है। अगर आप अच्छी डाइट लेंगे, अच्छी नींद लेंगे, टेंशन फ्री रहेंगे, तो आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम नहीं होगी, साथ ही आपकी स्किन हेल्थी रहेगी। डेड स्किन को रिमूव करने के लिए आप नींबू के रस में थोड़ी सी चीनी मिलाकर उससे अपने फेस पर स्क्रब कीजिए, जिससे आपकी जो डेड स्किन है वो अच्छे से रिमूव हो जाए और आपकी स्किन हेल्थी रहे। सो गाइस, ये थे कुछ टिप्स जिन्हें मैं भी फॉलो करती हूँ, इन्हें आप भी फॉलो कीजिए, जिससे मानसून में आपकी स्किन ग्लोइंग, हेल्थी और हाइड्रेट रहेगी। एंड गाइस, इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। सो गाइस, ये था आज का वीडियो। आई होप यू गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।